हेलो दोस्तों, आयुर्वेद एंड मेडिसिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश, मैं आज आपको बताऊंगा फेब्राइल सीजर के बारे में। सो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। फेब्राइल सीजर, फेब्राइल का मतलब है फीवर एंड सीजर्स का मतलब होता है कुछ एपिसोड। मतलब क्या है यहाँ पर कहने का कि कुछ ऐसे एपिसोड्स फीवर के दौरान कुछ एपिसोड्स आते हैं उसे फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि फेब्राइल सीजर आर द सीजर ड्यूरिंग अकरिंग बिटवीन 6 मंथ एंड 5 ईयर एज। मतलब क्या होता है कि इस फीवर में, ये जो फीवर आता है ये 6 मंथ से 5 ईयर के बेबी में आता है। तो ये डिजीज, इस डिजीज में क्या होता है कि इस डिजीज में कोई सीनियर इन्फेक्शन नहीं मिलता, कोई न्यूरोलॉजिकल चाइल्ड को नॉर्मल होता है। और इसमें क्या होता है इस फीवर के दौरान कि जब जब फीवर आता है तो टेम्परेचर राइज होता है, और टेम्परेचर राइज के दौरान क्या होता है उसमें बच्चे को में कुछ सीजर्स आते हैं। सीजर्स मतलब यहाँ पर कुछ दौरे भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। और उसमें क्या होता है कि कुछ स्पाज्म होता है उस बेबी को, और कन्वल्जन्स होते हैं। दे कन्वल्जन्स आर नॉट रिलेटेड टू ग्रेट टेम्परेचर। जब क्या होता है कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो ये सीजर्स आते हैं, बट ये डिग्री जो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो फीवर में टेम्परेचर राइज होता है वो एबनॉर्मल होता है, बट या अगर नॉर्मली टेम्परेचर राइज किया जाए तो इसमें ये डिजीज, ये कन्वल्जन्स नहीं आएंगे। इट मे चेंज टू एपिलेप्सी, या आगे जाकर एपिलेप्सी में चेंज हो जाएगा। ये टू टाइप्स का होता है, सिंपल और टिपिकल फेब्राइल सीजर, कॉम्प्लेक्स टिपिकल सीजर्स। इसमें क्या होता है कि ये टू टाइप्स होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल एटिपिकल फेब्राइल सीजर के बारे में। सिंपल एटिपिकल फेब्राइल सीजर, ये सीजर होता है ये 24 आवर में सिर्फ एक बार आता है। द सीजर अकरिंग विद इन 24 आवर ऑन द सेट इन द सिंगल पर फेब्राइल सीजर। इसमें फीवर सीजर्स में क्या होता है, ये सिर्फ सीजर एक बार आता है सिर्फ 24 आवर में ड्यूरिंग फीवर के दौरान। ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड इज लेस देन 15 मिनट। इसमें फीवर में इंपॉर्टेंट जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, वो 15 मिनट से कम बेबी को सीजर्स आएंगे। ड्यूरेशन एपिसोड लेस देन 15 मिनट्स के होते हैं इसमें। और कन्वल्जन आर जनरल, मतलब कि स्पाज्म होता है बेबी को तो वो जरूरी होता है इसमें। देर इज नो पोस्टिकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, इसमें कोई बाद में न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं मिलता। और इसमें 1% क्या होता है कि आगे जाके ये सिर्फ एपिलेप्सी में चेंज हो सकता है। अब सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड टिपिकल सीजर में क्या होता है कि इसमें मोर देन टू एपिसोड इन 24 आवर। इसमें क्या होता है, फीवर आता है बेबी को उसके 24 घंटे के दौरान एक से ज्यादा एपिसोड आएंगे। और उस एपिसोड में क्या होता है कि 15 मिनट से ज्यादा 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 आपका सीजर होगा। द ड्यूरेशन एपिसोड इज मोर देन मिनट्स, ये सीजर्स एपिसोड जो होते हैं वो 15 मिनट से ज्यादा के होंगे। द 6% केसेज ऑफ प्रोग्रेस टू एपिलेप्सी, ये क्या होता है कि आगे जाकर ये 6% ये क्या हो सकता है कि एपिलेप्सी में चेंज हो सकता है आगे जाके। इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम। इसमें हम सबसे पहले ABC को मेंटेन करते हैं, एयर बेस ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, एंटीपायरेटिक ड्रग देते हैं, एक बेबी को एंटीपायरेटिक ड्रग्स की जो डोज होती है जो 15 मिलीग्राम पर kg डोज के हिसाब से देते हैं। और एंटी कन्वल्जेंट देते हैं उसको, डाइजीपाम दे सकते हैं IV के थ्रू, एंड मेटाडाजोलम दे सकते हैं उसको IV के थ्रू, एंड 0.2 से 0.3 मिलीग्राम पर kg डोज के हिसाब से देते हैं उस बेबी को। आगे देखते हैं इसको प्रोफाइलेक्टिक अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो अगर बेबी को क्या होता है 6 मंथ में 3 बार से ज्यादा सीजर्स आ रहे हैं, और 1 ईयर में 6 6 6 से ज्यादा सीजर्स आ रहे हैं, तो और वे सीजर्स 15 मिनट से ज्यादा के हों, तो उसकी ट्रीटमेंट देखते हैं कि उसको पैरासीटामोल देते हैं 15 मिलीग्राम पर kg डोज के हिसाब से। क्लोबेजोलम देते हैं 0.75 से 1 मिलीग्राम पर kg डोज के हिसाब से 3 डे के लिए। अगर ये उसे सही नहीं हो पाए तो उसमें क्या आते हैं, कंटिन्यू प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, लगातार उसको ट्रीटमेंट देते हैं।
तो इसमें क्या देते हैं, वेलप्रोइक एसिड देते हैं उसको 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी डोज के साथ है, एंड फिनोबार्बिटोन देते हैं उसको 3 से 5 मिलीग्राम पर केजी डोज के हिसाब से। इसमें जो ये ट्रीटमेंट दी जाती है वो 5 ईयर्स के बच्चे तक दी जाती है। सो आज के लिए इतना ही, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने बोले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।